जानते भी होंगे, छठ भी होता है, छठ पूजा जिसमें सूर्य देव को अर्घ भी पड़ता। तो यस गाइस, उसी तरह एक और पूजा होती है जिसमें चंद्रमा को अर्घ पड़ता है। मैंने तो इससे पहले नहीं सुना था, जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से जानती हूँ। ऐसे मेरे यहाँ भी शायद होती होगी, बट मैं उतना इन्वॉल्व नहीं रहती थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट जब से मैं यहाँ पे ससुराल में आई हूँ तो सारी चीज़ों की जानकारी थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी है। तो यस, इस पूजा को कहते हैं चौठ की पूजा। वो कहते हैं ना कि सभी चीज़ों में भगवान होता है, उसी तरह चंद्र भी एक देव है, तो चंद्रमा में भी भगवान ढूंढा जाता है। तो उनको आज के दिन अर्घ पड़ता है रात को, जिसको कहते हैं चौठ की पूजा। और सुबह से घर में सबको तैयारियां कर रहे हैं, पूरा बन रहा है, पकवान बन रहा है और पत्ते के दोने बनाए जा रहे हैं। आपको कथा होगी, पंडित जी कथा सुनाएंगे, फिर अर्घ पड़ेगा। बहुत अच्छा भी लगता है, सब मिलके एक साथ करते हैं। तो मैं भी बनाने वाली हूँ अभी कुछ मीठा घर में। क्या बनाऊँ कुछ आइडिया नहीं। चलो मालपुआ बनाते हैं और गर्मा गर्म खाते हैं। बट पूजा के पहले नहीं खा सकते हैं उसको, बट बना के तो रख ही सकती हूँ क्योंकि मुझे पूजा में भी इन्वॉल्व होना है। तो मैं पहले मालपुआ बनाती हूँ, बट उससे पहले चाय का टाइम हो रखा है। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई, साथ में है कुछ बिस्किट और आज मैंने दिया है स्टील के ग्लास में चाय। दादी को तो स्टील के ग्लास में देती हूँ बट मम्मी को कप में देती हूँ, बट आज मम्मी को भी स्टील के ग्लास में ही चाय मैंने दे दिया। और साथ में मैं चावल लेके आई हूँ, ये व्हाइट वाले चावल हैं जिसके हमारे यहाँ पूरा बन के भगवान जी को चढ़ते हैं। तो आज घर में मैं पूरा बनाऊंगी, मालपुआ पूरा तो नहीं बना रही हूँ, मालपुआ बना रही हूँ। तो उसमें मैंने थोड़े से चावल का आटा भी मिक्स कर दिया था। तो चलो बनाते हैं मालपुआ। ये रहा थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब बहुत ज्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी डाल के ड्राई फ्रूट्स चीनी डाल के मिक्स कर लो अच्छे से। इसमें यहाँ पे आप इलायची का पाउडर डाल सकते हो, ये मैंने डाला इलायची का पाउडर, सौंफ का पाउडर मिक्स, ये सारा दोनों पाउडर है। तो ये दोनों मस्ट डालना, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद अच्छे से इसको मिलाओ मिलाओ मिलाओ, ऐसे ही मिलाओ। इतने मिलाने के बाद आप भी थक गए होगे, बेचारी बैटर भी थक गई होगी, तो इसको थोड़ा रेस्ट करने दो आधे घंटे के लिए, उसके बाद तलना स्टार्ट कर दो। ये रही मेरी लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में अच्छे पूरे बनते हैं मालपुए वगैरह। तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, थोड़ी सी घी भी डाला है। एंड ये रही मैं, जिसको तो आप लोग जानते ही होंगे। एंड लौट के आते हैं मालपुए पे। एंड उसके बाद तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो अपने गर्मा गर्म मालपुए डालते जाओ। और ये देखो, मतलब अगर आप इसको रेस्ट देते हो ना बैटर को, तो ऐसे फूले फूले मालपुए आपके बनेंगे, बहुत अच्छी बन के रेडी हुई। बट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी पता है, हम लोग जानते ही हो कि मालपुए गर्मा गर्म अच्छे लगते खाने में, और मेरे यहाँ पूजा थी तो हम पूजा के पहले खा नहीं सकते थे। तो मैंने बहुत पहले ही बना के रेडी कर लिया था, मुझे बाद में बनाना था एक्चुअली, बट कोई नहीं, बाद में भी अच्छी लगी थी, बट गर्मा गर्म ज्यादा बेटर लगती है। तो इधर मेरे मालपुए बन के रेडी हो गए, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। डिनर बनाते बनाते कब टाइम निकल गया ना पता भी नहीं चलता, और देखो 8 बज गए। माय गॉड, मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, इतनी जल्दी मैं रेडी होकर आज आई हूँ ना। देखो जरा सा भी मैंने मेकअप नहीं करा है, बस मैंने साड़ी पहनी और चल दी नीचे के लिए। मैं सोच रही थी कि चंदा मामा दिख जाए, क्योंकि आज चांद मामा का ही दिन है, तो कहीं पे भी नहीं दिखे वो। आज एक्चुअली चांद मामा निकलेंगे तो उसके बाद ही उनको अर्घ पड़ेगा। तो यहाँ पे आंगन में पूजा स्टार्ट भी हो गई थी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, बट कोई नहीं, फिर भी मैं जल्दी ही आ गई थी, बहुत कोई जन अभी तक आए भी नहीं थे। तो यहाँ पे हमारे
हमारी इशू मैडम, जिसकी नाटक मस्ती हमेशा चलती ही रहती है। और इसके जो भाई है ना, ये भाई बहन दोनों मिलके दिन भर उधम मचाते हैं घर पे। और ये देखो हमारे चांद मामा मगाते टिमटिमाते से आ चुके हैं, और कितने ज्यादा आज चमक रहे हैं ना चांद मामा, अलग नहीं लग रहा आप लोगों को भी? तो यहाँ पे अर्घ का टाइम हो रखा था, तो सारे जेंट्स और बच्चे मिलके अर्घ देने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडीज अर्घ नहीं देती है, सारे जेंट्स और बच्चे मिलके देते हैं। हम लेडीज इधर बगल में खड़े होके देखते हैं, तो मैं यहाँ पे वीडियो भी कर रही थी, सारी लेडीज अपना हंसी मजाक भी कर रही थी, और बेचारे बच्चे अपने बारी का आने का इंतजार कर रहे थे साइड में। ये बड़े साइड जाएंगे तब तो इन बच्चों की बारी आएगी। तो यहाँ काफी मजा आता है ऐसे पर्व त्योहार में, जहाँ पे सारे लोग सारे जन एक साथ मिल के मनाते हैं जिस त्योहार को, तो उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। पूजा तो खत्म हो चुकी है, आरती अब होने है। यहाँ पे मैं इशू को बोल रही थी आरती लो, तो ये दूर से ही आरती मैडम ले रही थी, मतलब इसको लग रहा था तो मुझे तो भगवान जी दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। कोई अपना अपना जो प्रसाद की डाली जो चढ़ाए गए थे सबको अपने अपने घर से, वो सब कोई अपना उठा के अपना घर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जी भी उठा के ले आई, ये है मेरा प्रसाद। उसके बाद मैं जल्दी से घर आई, क्योंकि मुझे ड्रेस चेंज करना है और जल्दी से सबको खाने तो भी देना है। दो दिए, पूजा जब खत्म हो जाती है तो वहाँ पे दो दिए जलाए जाते हैं। अपना चेंज करके आ चुकी हूँ, और अब ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, खाने का टाइम क्रॉस कर चुका है, क्योंकि 9 बजे डिनर कर लेते थे और आज 9:30 बज चुका है, तो जल्दी से मैं अब खाने दूंगी सबको। That's all for today guys, thanks for watching my vlog, मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए टाटा bye, बट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, till then take care, bye bye, next vlog आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा, so till then wait it.